Guys, good morning, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अपने घर पर सब ठीक होंगे। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है। विवान आज भी स्कूल नहीं गया क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल इसको फीवर नहीं था बट रात को इसको फिर से लाइक 7-8 बजे के आसपास इसको फिर से इतना फीवर हो गया, तो अभी भी ही इज नॉट वेल। तो फीवर चढ़ रहा है उतर, और वो भी शाम को होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है पूरे दिन। तो अभी बस मैं विवान को लेकर जा रही डॉक्टर के पास, तो फिर मिलवाती हूँ विवान से। हाय विवान, How are you? Fine. Not fine. And here is Prince. Hello. So बस अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो फिर आपको वो भी अपडेट करेंगे। तो आइए गाइस, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। So यहाँ पर हो रहा है विवान का टेस्ट। डॉक्टर ने इसको टेस्ट बोला है कि इसका टेस्ट करवाओ, 2-3 टेस्ट बोले हैं ब्लड के, तो अभी वही हो रहा है। एंड ये बहुत घबरा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा चलो, वो देख हो भी गया। ले स्टार्टिंग में हल्का सा हुआ था, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस अभी विवान का टेस्ट करवा के घर आए थे, अभी थोड़ी देर में इसकी रिपोर्ट आ जाएंगी। तो बस अभी घर आया तो पहले आपको मिलवाती हूँ मम्मी से। आ मम्मी से गुड मॉर्निंग नहीं हुई आप लोगों की। सो ये रही मम्मी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मम्मी जो बना रही हैं वो क्या बना रही है मम्मी? आज मम्मी राजमा बना रही है। गाइस आपको राजमा दिखाती हूँ। ये जो राजमा है ना, स्पेशली मम्मी ने अपने फ्रेंड से ना कहाँ से मंगाए थे, जम्मू से है ना, जम्मू से राजमा मंगाए थे। और ये बॉयल राजमा भी इतने मीठे हैं ना, इतने अच्छे हैं ना। सो जब बनेंगे तो और ही अच्छा लगेगा। तो अभी जब बनेंगे राजमा तो दिखाऊंगी, उसकी शक्ल दिखाऊंगी, क्योंकि टेस्ट तो करवा नहीं सकती, शक्ल दिखाऊंगी आपको राजमा की। सो बस अभी बनाते हैं राजमा। मम्मी जो राजमा है वो बहुत अच्छे बनाती है। तो बस इसमें अभी प्याज और लहसुन का मसाला भून रहा है साथ में। टमाटर भी डाल दिया ना आपने? टमाटर भी डल गया। सो जब बनेंगे तब देखेंगे, है ना। चलो बनाते हैं पहले। सो गाइस, राजमा बन के हो गए हैं रेडी एंड इट इज लुकिंग सो टेम्पटिंग। और जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना वो इतनी अमेजिंग है मम्मी, मैंने नहीं खाया ऐसे राजमा, सही में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, फर्क तो बहुत है। और मम्मी ने इसमें धनिया डाल दिया, सो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, है ना। बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। बाकी तो महंगे, हाँ वही तो, फर्क तो है ही मम्मी, लेकिन क्वालिटी भी तो कितनी अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो बड़े स्वाद लगते हैं। हाँ आपने खाया है बट हमने नहीं खाया, अब हम खा के देखेंगे आज। सो अभी लंच करेंगे, फिर इसका टेस्ट करेंगे और फिर आपको भी बताएंगे। वैसे तो नो डाउट अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी बताएंगे आपको। सो यस गाइस, अभी फिर से जा रहे हैं विवान की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने, और इसका एक टेस्ट और होना है तो वो भी करवाने जा रहे हैं। सो ये देखो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और जो इसके टेस्ट पहले हुआ था। तो अभी जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर से लाइक रिपोर्ट्स में क्या आता है और इसके जो दूसरे टेस्ट होता है उसमें क्या आता है। सो अभी बस वहीं जाएंगे। लंच टाइम और लंच में अब राजमा चावल रेडी हो गए हैं, साथ में मैंने लिया अचार। तो प्रिंस आपको कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, मजा आ है ना, मजा आ गया ना। विवान के लिए भी राजमा चावल, और मम्मी ने तो रोटी खाई है क्योंकि मम्मी रोटी ही खाती है, चावल प्रेफर नहीं करती। सो मम्मी 10 में से मैं चाहूँ तो 11 नंबर नहीं दे सकती, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, सच में बहुत अमेजिंग है। सो थैंक यू मम्मी फॉर द राजमा, है ना विवान। ये तो बस इसकी तो शक्ल ही बनी रहेगी अब जब तक ये ठीक नहीं होता। दादी तो खिला रही है आपको, ये आजकल ना बहुत चिड़चिड़ा हो गया, लड़ता जा रहा है सबसे। चलो खाओ फिर। गाइस बस अभी जा रही हूँ हेड वॉश कराने के लिए, क्योंकि घर पे पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑयलिंग करके ना फिर हेड वॉश कराऊंगी, बट आज पूरे दिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला विमान के चक्कर में, लेबर भी जैसे लगी हुई। बस आज होपफुली लास्ट डे है, आज सारा काम हो जाएगा होपफुली। तो बस अभी हेड वॉश करा कर आती हूँ, उसके बाद जो घर का थोड़ा सा काम है वो करेंगे। विमान को सुला दिया था अभी, अभी शाम का लाइक 6-6:30 हो रहा था, विमान सो गया क्योंकि वो रात को देर से सोया नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा चल पहले मैं अपना हेड वॉश करा के आती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो गाइस बस अब मैं हेड वॉश करा कर आ गई, तो विमान भी उठ चुका है। तो पहले आपको दिखाते हैं विमान क्या कर रहा है। विमान कहाँ जा रहे हो? वो नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा आज किसी से, पता नहीं इसको क्या हो गया है। सो बस अभी डिनर टाइम भी हो गया है, तो डिनर में जो है वो वही जो मम्मी ने राजमा बनाए थे आज वही हम करेंगे डिनर में। सो यस, राजमा के साथ परांठा खाएंगे। कर रहे हो बात? ओ, और बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, आई थिंक आंधी आ रही है,
तो बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो भी देखना बनता है, तो अभी वो भी देखते हैं। पहले बनाते हैं डिनर, क्योंकि ऑलरेडी चपाती मैंने बना दी है मम्मी के लिए। मम्मी कर रही है डिनर, उसके बाद आपको मौसम भी दिखाती हूँ बाहर का कैसा हो रहा है। सो गाइस, मौसम तो इतना ज्यादा अच्छा हो रहा है, बट इतनी ज्यादा आंधी चल रही है, बहुत मिट्टी उड़ रही है, तो ये गर्मी बहुत हो गई थी, तो ये बहुत मैंडेटरी था, मतलब बारिश का आना या मौसम कैसा होना। है तो बेटा हम तो रूम में ही बैठेंगे ना, क्योंकि इतनी ज्यादा आंधी में कहाँ नीचे जाएंगे, लेकिन मिट्टी बहुत है। तो अभी विवान अभी अंदर चलते हैं, अगर मौसम अच्छा हुआ तो देखेंगे, नीचे चलेंगे फिर। ठीक है ठीक है, अभी चलते हैं अंदर। सो ये वेदर बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। सो गाइस, मुझे आज एक और कोलैब रिसीव हुई है, ये इतने सारे इसमें आर्टिकल्स आए हैं, तो ये जो है पतंजलि की तरफ से आए हैं। सो क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक आया है ये पतंजलि ब्यूटी क्रीम स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। नेक्स्ट इज केश कांति एडवांस हर्बल हेयर ऑयल। एंड एक आया है एलोवेरा जेल, ये तो मैं यूज कर भी चुकी हूँ पहले भी, तो ये बहुत अमेजिंग है। एक ये आया है कॉम्बो आया है ये हेयर ऑयल का एंड शैम्पू का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस रोज बॉडी क्लींजर, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, एज इफ कि जैसे हम रियल रोजेस के पेटल्स होते हैं ना, उस वो हम स्मेल कर रहे हैं, ऐसी फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। सो इतने सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स आए हैं। अब इनका वही है कि कोलैब बनानी है, टाइम नहीं मिल पा रहा, जो तो नेक्स्ट वीक तक इसकी कोलैब भी आ जाएगी। प्रोडक्ट्स बहुत ही जाने माने ब्रांड के, विच इज़ पतंजलि, विच इज़ वेरी यू नो आयुर्वेदिक एंड जिसके बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो गाइस, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा, तो मैं तो सिर्फ जेल यूज़ करती थी, अब ये सारे यूज़ करके फिर आपको बताऊंगी कि हाउ द रिजल्ट इज। सो यस, आई विल यूज़ इट एंड लेट यू नो। सो गाइस, डिनर करके सब लोग हो गए हैं फ्री, अब मैं विवान को बस सुलाने लगी हूँ। उसको उसकी तबीयत पहले से ठीक है, बट उसकी अभी एक रिपोर्ट आनी है जो वो कल मॉर्निंग में आएगी, तो कल मॉर्निंग में पता चलेगा, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं मे बी उसको इन्फेक्शन है बॉडी में। सो देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स में क्या आता है। बस अभी उसको मेडिसिन दे दी हैं, अब उसको सुलाऊंगी, खुद भी हम लोग सोएंगे, क्योंकि पूरी रात भी कल ऐसी गई, उसको जो फीवर था तो 2-4 दिन से ना बस ऐसे ही हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। एंड स्टिल अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत बेटर है, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है ठीक, कभी नहीं होता, तो ये इट डिपेंड्स, क्योंकि इन्फेक्शन है तो वो थोड़ा तो चलेगा ही लंबा, बाकी तो कल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस अभी इस ब्लॉग को करूँगी एंड। और गाइस, एक चीज़ और, क्योंकि कल मेरा ब्लॉग इसलिए भी नहीं आया था, ये मैं पहले मॉर्निंग के क्लिप में बोलना भूल गई थी, क्योंकि विवान की तबीयत कल थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए कल का ब्लॉग नहीं आया था, मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो आज के ब्लॉग भी थोड़ा छोटा है। अभी थोड़े छोटे ब्लॉग इसलिए आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ विवान। जैसे जैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो जैसे पहले ब्लॉग आते थे वैसे ही आएंगे। सो गाइज, यस, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पर भी जाकर मेरे पेज को फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज, जय गुरु जी, गुड नाइट।